अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं जमीला अहमद और आप देख रहे हैं वहाँ टोल ऑनर। दोस्तों पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरे 24K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए दोस्तों 6 महीनों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार इतनी मोहब्बत मेरे साथ की है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरा अपना ही मोटरसाइकिल है। इसका दोस्तों हम जब पेट्रोल करते हैं ऑन पे करते हैं, हमारा पेट्रोल ऑन पे तो आता है ठीक है, बहरहाल इसका जो रिजर्व है ना, रिजर्व वाला सिस्टम इसका नहीं चल रहा, मतलब है कि रिजर्व पे पेट्रोल नहीं आ रहा। अगर हम कहीं भी जाते हैं ना मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हैं तो हमारा किसी भी जगह पे पेट्रोल खत्म हो जाता है ठीक है। हम इसको रिजर्व में लगाते हैं। रिजर्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका ना रिजर्व में भी तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर तक तकरीबन पेट्रोल होता है, कि आपका पेट्रोल कहीं भी आप जाते हो मोटरसाइकिल पे और पेट्रोल आपका खत्म हो जाता है, फिर आप उसको ना रिजर्व पे लगाते हो, फिर आपका इतना होता है कि हो सकता है 50-30 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना पेट्रोल होता है उसमें कि आप अपने पेट्रोल पंप तक जा सकते हैं और अपने वहाँ से पेट्रोल आप फुल करवा सकते हैं। रिजर्व का मकसद ये होता है बेसिकली। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने इसको सही करना है, अगर आपका काम नहीं कर रहा, ऑन पे पेट्रोल आ रहा है और रिजर्व पे नहीं आ रहा, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं ये इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को आपने मुकम्मल ध्यान से देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते करते जाइएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों मोटरसाइकिल की तरफ। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल हमारे पास, ये चाइना का मोटरसाइकिल है और ये मेरा अपना ही मोटरसाइकिल है। पीछे आप कैरियर भी देख सकते हैं कि मैंने साइकिल का कैरियर लगाया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ बगैर बैग वगैरह बांधने के लिए साइकिल का कैरियर को बढ़ाने से लिया था, वो मैंने लगाया है। तो दोस्तों इसी में वो मसला है कि इसका जो देखें अभी पेट्रोल तो ऑफ हुआ हुआ है ना, मैं आपको दिखा दूँ, आपने वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखना ताकि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फ़ायदा हो जाए। दोस्तों अभी पेट्रोल हमारा ऑफ हालत में है ठीक है, सेंटर में हमारा ऑफ होता है ठीक है, ऑफ हालत में ये देखें इसका पेट्रोल ऑफ है तो पेट्रोल नहीं आ रहा ठीक है। इसका दोस्तों इसको अगर घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे ना दोस्तों, ये हमारा ऑन लगेगा ठीक है, ये हमारा दोस्तों ऑन होता है ठीक है। अभी देखिए इसमें पेट्रोल आ रहा है ठीक है, इसको फिर मैं बंद करता हूँ। ये दोस्तों हमारी ऑन वाला ऑप्शन होता है, अगर आपके मोटरसाइकिल में 3-5 लीटर टैंकी फुल है ना तो आप इसको ऑन हालत पर चलाएँगे ठीक हो गए। और दोस्तों इसका मैं अगर इसका इसकी पॉइंट अगर मैं इस तरह करूँ ना तो ये दोस्तों हमारा रिजर्व होता है ठीक है। अब देखिए दोस्तों रिजर्व हालत में बिल्कुल ये एक एक कतरा आ रहा है, ये भी समझ ले कि नहीं आ रहा ठीक है, हालांकि अब हमारे टैंकी में पेट्रोल पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब इसका रिजर्व पे नहीं आ रहा, ये रिजर्व जो होता है ना दोस्तों ये ऑप्शन होता है कि दोस्तों अगर आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल तकरीबन 1.5 लीटर रह गया है या लीटर रह गया ठीक है, तो आपका मोटरसाइकिल वैसे तो आप बेसिकली इसको ऑन पे चलाते होते हैं ठीक है। मैं इसको यहाँ से लगा दूँ पाइप वापस दोबारा, वैसे आप अपने बाइक को ना इस तरह ऑन हालत में चलाते हैं ठीक है। ये ऑन होता है हमारे बाइक का पेट्रोल, अगर हमारे टैंकी में 3-4 लीटर है तो ऑन पे हमारा चलेगा ठीक है, वैसे हम यहाँ पे चलाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसका तकरीबन लीटर पेट्रोल आ जाता है ना, तो दोस्तों इस जगह पे हमारा पेट्रोल आना बंद हो जाता है, फिर हम इसको ऐसे करके ना यहाँ पे ऑफ करते हैं, फिर हम इसको ये रिजर्व लगाते हैं। तो ये हमारा रिजर्व बेसिकली इसलिए होता है कि रिजर्व में हमारा 1 लीटर पेट्रोल सेव रहता है ठीक है। हम रिजर्व तब लगाते हैं ताकि हमारा मोटरसाइकिल जहाँ पेट्रोल ऑन खत्म हो गया, रिजर्व तब होता है कि हमारे पास अब हमें पता लग गया है कि हमारे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, हमने जाना है अपने पेट्रोल पंप पे, वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाना है ठीक है ना, इसका मकसद ये होता है। अब इस पर मकसद ये तो होता है, बहरहाल देखें दोस्तों ये रिजर्व है बिल्कुल, इसका पेट्रोल ही नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपने किस तरीके से सही करना है ठीक है। इसको जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा पेट्रोल ऑफ हो गया, ऑफ करके दोस्तों आपने मोटरसाइकिल को अपने लिटा देना है ठीक है, सिलेंसर वाली साइड पे आपने मोटरसाइकिल को लिटा देना है। मैं इसको लिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा दोस्तों आप जब अपने मोटरसाइकिल को नीचे गिराएंगे ना तो आपका पेट्रोल जो कार्बेटर में होगा ना वो सारा निकलेगा, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि हमने मोटरसाइकिल लिटा दिया हमारा पेट्रोल सारा निकलने लग गया ठीक है। पेट्रोल निकलता जो कार्बेटर के अंदर होगा वो पेट्रोल आपका नीचे गिरेगा ठीक है। दोस्तों आपने मोटरसाइकिल को लटा दी, लटा के दोस्तों आपने इसको लगानी है 22 नंबर की चाबी ठीक है, 22 नंबर की चाबी लगानी है आपने, फिर काक ऐसे करके खोल देना है ऐसे करके ठीक है, थोड़ा सा लूज़ करना है, बाकी आप इसको ऐसे घुमा के खोल सकते हैं, मसला नहीं है। ये देखें ऐसे करके आपने अपना फ्यूल काक मोटरसाइकिल को खोल देना है। तो इसमें दोस्तों अभी देख सकते हैं कि ये मैंने खोल तो दिया है, अब इसमें हमारा फिल्टर भी नहीं लगा हुआ ठीक है, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा पाइप लगा होता है जो हमारा ऑन के ऊपर हमारा वर्क करता है ठीक है ना। इसमें भी डायरेक्ट सिस्टम हुआ हुआ है, इसका सिर्फ ये है कि ऑन ही है, ऑन भी हमारा पेट्रोल आता है बाकी आता ही नहीं। और ये देखें इसके अंदर ये कितना कचरा आया हुआ है, ये देखें ये जब दोस्तों ये जब कचरा आ जाता है ना हमारे फ्यूल काक के अंदर, फिर हमारा फ्यूल काक काम करना बंद कर देता है, वर्क करना बंद कर देता है ठीक है। तो आपने जब भी अपने फ्यूल काक खोलना है एक दो यहाँ पर इस तरह आपने यहाँ पर इस जगह पर हाथ रखना है ठीक है, इस जगह पर हाथ रख के आपने मोटरसाइकिल को सीधा करना है, जब सीधा करेंगे ना तो नोज़ल के अंदर हमारे जो भी कचरा होगा ना वो सारा हमारा बाहर निकल आएगा। अभी इस टाइम मैं सीधा नहीं कर रहा, अभी इसी तरीके से मैं देखें इसके अंदर से कचरा निकाल रहा हूँ, तो देखिए इतना ज़्यादा कचरा है, इस कचरे की वजह से हमारा मोटरसाइकिल के अंदर ना पेट्रोल आना बंद हो जाता है, रिजर्व पे भी इसका इसी वजह से नहीं आ रहा कि हमारा रिजर्व वाला जो ऑप्शन है ना वो हमारा बंद हुआ हुआ है ठीक है। ये देखिए कितना कचरा है, तो ये आपने एक इस चीज़ की सफाई कर देनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपने क्या करना है कि ये देखें फ्यूल काक को आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फ्यूल काक के अंदर ना ये जो ऑप्शन होता है ना ये वाला, एक तो सुराख होता है ना, ये सुराख आपको यहाँ पर सही क्लियर समझाता हूँ। अब जो हमारा दोस्तों हमारा जो ऑन वाला सिस्टम होता है ना, ये जो गोल सुराख है ना ये वाला,
ये हमारा दोस्तों ऑन के लिए होता है, ठीक है। इस जगह पे हमारा पेट्रोल ऑन पे आता है। अब ये इसका बिल्कुल साफ़ है और ये हमारा रिजर्व वाला होता है। ये देखें, ये जो हमारा चांद सा बना हुआ है ना, एक चांद डिज़ाइन बना हुआ है और एक गोल बना हुआ है, ठीक है। जो गोल वाला हमारा होता है ऑन के लिए, ठीक है। ऑन तो इसका बिल्कुल खुला हुआ है और रिजर्व हमारा ये ऑप्शन होता है, ये वाला। ये रिजर्व के अंदर देखें कितना कचरा आया हुआ है, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये हमारा रिजर्व वाला होता है ऑप्शन। ये जो चांद बना हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा रिजर्व के लिए होता है, ठीक है। रिजर्व वाला इसका सिस्टम यहाँ पे ये गंद आया हुआ है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो जिसकी वजह से हमारा ये पेट्रोल बिल्कुल मतलब है कि आ रहा ही नहीं था, रिजर्व पे नहीं आ रहा था, ऑन पे आ रहा था, ठीक है ना। तो वजह यही होती है कि हमारा फ्यूल कार के अंदर कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये काम नहीं करता, ठीक है। ये देखें, ये सारा कचरा आपने इसमें से निकाल देना, ये वाला, ये देखिए कितना ज़्यादा गंद है इसी वजह से। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल ना, फ्यूल कार खोल के आपने इसको ना रिजर्व हालत में लगा देना है। ये भी ऑन, ये भी बंद हुआ हुआ है, ये रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व हालत में लगा के आपने यहाँ से इसको एयर देनी है। बेशक आप दोस्तों मुंह से दे दें, मुंह से अगर देने थे मुंह से दे देनी, तो आपके एयर गन होनी चाहिए। एयर गन से आपने इसको एयर लगानी है, ताकि हमारा जो ये रिजर्व वाली सारी जगह पे आया हुआ ना कचरा, ये सारा हमारा कचरा ख़त्म हो जाए। ये देखें, ठीक है, ये कचरा है। तो ये कचरा मैं जैसे निकाल, इसको मैं एयर लगाता हूँ, एयर लगा के फिर आपको बताता हूँ कि हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों इसको आपने ना रिजर्व हालत पे लगा के, अभी रिजर्व में है, इस तरीके से आपने इसमें ना ऐसे करके एयर लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पकड़ लिया है, अब मैं वाल खोलता हूँ तो हमारा एयर इसमें आ जाएगी और यहाँ सारा हमारा कचरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया कि अभी तकरीबन हमारा यहाँ से ना साफ़ हो गया सारा, आपको नज़र आ रहा हो कचरा हमारा सारा निकला है वहाँ पर, वो देखें ये सारा कचरा है, सारा इसी में से निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ना इसको रिजर्व पे लगा के आपने इसको एक दफ़ा एयर लगा देनी है, ठीक है। फिर दोबारा मैं लगाता हूँ ताकि कोई मामला ख़राब वगैरह तो नहीं है। दोस्तों ये मैंने इसको एयर लगाई है, बहरहाल अभी भी मुझे इस तरह लग रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल हवा इजीली क्रॉस नहीं हो रही। मैं इसको मुँह से एक दो चेक करता हूँ हमारी हवा क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। हमारी अभी इसमें बिल्कुल भी मुँह बिल्कुल भी मतलब है कि एयर क्रॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसमें ना ये मसला ज़्यादा पता क्या होगा इसका, यहाँ से मैं फ्यूल कार खोलता हूँ, चोरस पेचकस दो, अगर यहाँ से आपके बिल्कुल एयर इजीली बाहर क्रॉस होना फिर तो ठीक है। अभी इसके अंदर से एयर भी क्रॉस नहीं हो रही, इतना ज़्यादा जाम हुआ हुआ है। आपने ना ये दो पेज इसके खोल देने, ये वाले फ्यूल कार का फुल ऑपरेशन करके मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों अगर आपका फ्यूल कार ना पेट्रोल बंद भी आप करते हैं फिर भी आपका लीक हो जाता है ना, वो भी इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। चलें, वो भी अब वीडियो बन रही है, इसी वीडियो में आपको बता दूँ। अगर आपका पेट्रोल बंद करते हैं फिर भी आपका पेट्रोल निकलता रहता है, फिर क्या आपने करना है अपने पुराने फ्यूल कार के साथ ही। तो दोस्तों दोनों मैंने इसके बोर्ड खोल दिए, दोनों बोर्ड खोल के आपने ये चीज़ बाहर निकाल देनी है, ठीक है। ऐसे उठाना है इसको, ऐसे इसको आपने पकड़ना है, पकड़ के ना आपने ये चीज़ बाहर निकाल देनी है, ऐसे रख देनी है, ठीक है। ये हमने रख दी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी अगर आपका ऑफ हालत में अगर पेट्रोल निकलने लग जाता है ना, ये वाली आपने रबड़ उतार देनी है, ये वाली, ठीक है। ये रबड़ मैंने उतार दी है, ठीक है। ये रबड़ उतार के दोस्तों आपने सिंपल इसको सिर्फ ना ऐसे उल्टा करना है, उल्टा करके आपने इसको लगा देना है। आपका वो वाला जो मसला है ना, वो आपका हल हो जाएगा, जो आपका ऑफ हालत में भी पेट्रोल निकलता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी रबड़ यहाँ से ना डैमेज हुई होती है, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल निकलने लग जाता है। आपने सिर्फ ये रुख चेंज करके आपने लगा देना है, तो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मेरा नहीं निकल रहा था ना, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है। अब दोस्तों मैं चेक करता हूँ इसकी कौन सी जगह बंद है, क्यों नहीं हवा इजीली क्रॉस हो रही। पहले हमने यहाँ पर हाथ रखना है, यहाँ से एयर लगानी है, देखते हैं हमारी एयर जहाँ से अंदर जाती है ईजिली जाएगी कि नहीं जाएगी। ये देखें, यहाँ से तो हमारा सुराख खुला हुआ है। फूक लगा के चेक करता हूँ, यहाँ से दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ से हमारी हवा क्रॉस हो रही है। अभी हमारा यहाँ से इसके अंदर ना कचरा आया हुआ है, कोई चीज़ आई हुई है, मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। ये देखें, अभी ये देखें, ये सारा कचरा आपको नज़र आ रहा है। ये रिजर्व वाला, ये वाला चीज़ जो चांद जिस जगह बनी है ना, ये चांद से चांद टाइप बना है, ये हमारा रिजर्व होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर कचरा है, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल हवा इजीली क्रॉस नहीं हो रही थी। देखिए अभी मैं सुई मारता हूँ इसके अंदर, आपने ये जगह बिल्कुल साफ़ कर देनी है, आपका बिल्कुल ये मामला हल हो जाएंगे। ये मैंने कर दी है। अभी फिर दोबारा इसमें वाल लगाते हैं यहाँ से ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे एयर मारी है, यहाँ से फिर भी सही हो गया। अभी यहाँ मारता हूँ, यहाँ भी मार दिया, अभी मारा दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही हो गया। इसको दोबारा अब खुला हुआ है, चलो एक दफ़ा फिर एयर यहाँ लगा देते हैं। आपने ना इसको सही अच्छे तरीके से एयर लगानी है, ठीक है। वाल खोलो, खोलो, खोलो ना, खोलो, बंद करो, बंद करो, खोलो, ठीक है। अब खोलो, बंद करो, खोलो। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है कि ये अगर आपका लीक होता है पेट्रोल, ये ऑफ हालत में भी निकलता है, आपने रबड़ का रुख चेंज कर देना, फिर आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है,
कि ये रबड़ वैसे हमारे पास नहीं भी, हम ये नई भी रबड़ लगा सकते हैं, कोई पुराना फ्यूल का उससे भी आप लगा सकते हैं। ये रबड़ मैं इसको नहीं लगा देता हूँ, ठीक है, ये रबड़ हमने लगा दी है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सिंपल ना, इसका ये जो ऊपर वाला हमने क्लिप खोला था, ये क्लिप हमने ऐसे करके लगा देना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रखना है हमने ऊपर, और सुराख इसके बराबर करने हैं, सुराख बराबर करके हमने यहाँ पे इसको टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं, वैसे मैंने खोला है, वैसे आपको खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने सिंपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है जगह पे आपने एयर लगानी है, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने अपने मकसद के लिए खोला था ना, तो ये मैंने रख दी है। अभी इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये इसकी वाशर को सीधा करते हैं, तो ये आपने रबड़ उल्टी करके ना जब आप लगा देंगे ना, तो आपका फ्यूल काक वाला मसला हल हो जाएगा, जो आपका ऑफ हालत में भी निकलता है ना, पेट्रोल को ऑफ करते हैं फिर भी आपका एक एक कतरा निकलता रहता है, आपने सिर्फ इसका रुख चेंज करा रबड़ का, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों बोल्ट मैंने इसके टाइट कर दिए हैं, ये दोस्तों मैंने इसके दोनों बोल्ट ऑफ कर दिए हैं। अभी हमारा ये कि ये देखें रिजर्व पे भी लग रहा है और ये ऑफ हो गया और यहाँ पे ऑन होता है। अब दोस्तों जब भी आप फिर काक खोलते हैं ना, अगर तो दोस्तों आपका ये नहीं लगा हुआ, ये अगर फिल्टर नहीं लगा हुआ ना, ये आपने फिल्टर लगा देना, और ये जो पाइप होता है ना दोस्तों, ये हमारा बेसिकली ये हमारा काम करता होता है, जो हमारा ऑन के ऊपर पेट्रोल निकलता रहता है ना, तो ये सारा हमारा काम करदार दा कर होता है। ये मैं लगा देता हूँ इस पर, तो ये पतला पाइप है मेरा ख्याल है फिर काक, ये वाला जेन्युइन है और ये वाला लोकल सा पाइप है, तो हमने सिंपल ये लगा देना है यहाँ पे, मैं पहले लगा देता हूँ। अच्छा दोस्तों ये हमारा होता है पेट्रोल ऑन के लिए हमारा ये पाइप लाजमी होता है, ठीक है। अगर आपके बाइक में अगर ये वाला पाइप नहीं लगा हुआ प्लास्टिक का, या आपने कोई भी प्लास्टिक वाला पाइप लेके ना यहाँ पे लाजमी लगाना है। अभी ये जो ये हमारा पाइप है तकरीबन हमारे बाइक में अगर ढाई तीन चार दो डेढ़ एक लीटर से हमारा पेट्रोल ऊपर होगा ना, तो हमारा ये पाइप के ऊपर ऊपर सारा ये खींचेगा, ठीक है। जब हमारा कम हो जाएगा फिर हमारा आन हालत में ये चीज़ वर्क कर रही होती है, ठीक है ना, यहाँ से पेट्रोल हमारा जा रहा है। जब ऐसे हम रिजर्व लगाते हैं ऐसे करके, जब हमने मोटरसाइकिल को रिजर्व लगा दिया ना ये ऐसे करके रिजर्व हालत में दोस्तों हमारा यहाँ से हमारा पेट्रोल नीचे जा रहा होता है, ठीक है। इस जगह से जो चांस बना हुआ है ना, इस जगह हमारा रिजर्व हालत में जा रहा है, और जब हमारा ऑन होता है तो ये ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जाता होता है, ठीक है। अब दोस्तों इतना काम आपने करके इसका ये ऊपर एक फ़िल्टर होता है, अगर फ़िल्टर आपका नहीं लगा होता दोस्तों, तब आपका ये जो फिलकाक होता है ना ये हमारा चौक हो जाता है, ठीक है। आपने फ़िल्टर लाजमी लगा देना अपने बाइक में, इससे यह है कि आपका दोबारा कचरा इतना जल्दी बंद नहीं होगा, ये है कि आपका काम अच्छा चलता रहेगा, ठीक है, ये काम करना है। अब दोस्तों फ़िल्टर मैंने लगा दिया इसका, अब यहाँ पे सिंपल हमने इसकी फिलकाक की ना ये रबड़ लगानी है, ठीक है, ये रबड़ है फिलकाक वाली, ये हमने यहाँ पर लगानी है ऐसे करके, ठीक है, रबड़ लगा के इसको हमने नीचे दबा देना ऐसे करके। ठीक है, रबड़ हमने लगा दी है, इतना काम हमारा दोस्तों फिलकाक में होता है। अब फिलकाक हम यहाँ पे मोटरसाइकिल में फिट करते हैं और फिर मैं फिट करके आपको चेक कराता हूँ कि हमारा भी रिजर्व पे पेट्रोल आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल हमने इस तरीके से फिलकाक अंदर डालना है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके इसको हमने टाइट करना है। और दोस्तों इसको ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट करेंगे ना तो आपके अंदर जो इसकी फ़िल्टर के अंदर हमने रबड़ लगाई है ना लास्ट में, वो हमारी रबड़ फारिग हो जाती है। तो चाबी कितनी की 24 की, तो दोस्तों 22 की चाबी के साथ आपने ना इस तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है, ठीक है। अभी मैं मोटरसाइकिल सीधा करके आपको चेक कराता हूँ, हमारा रिजर्व में पेट्रोल पहले नहीं आ रहा था, हमारा भी पेट्रोल रिजर्व में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ आपके सामने ही होगा। ठीक है, मैंने टाइट कर दिया, इतना टाइट करना है कि हाल ही ये खुले ना, बाकी मोटरसाइकिल को सीधा करते हैं फिर चेक करते हैं क्या साहब है, क्या रिजल्ट आपके सामने ही होगा। तो मोटरसाइकिल का जो सारा पेट्रोल है ना, हम इसको इस तरफ एकदम टेढ़ा करेंगे ताकि हमारा पेट्रोल सारा इस तरफ आ जाए, ठीक है। इस तरफ लिटाओ मोटरसाइकिल को,
पता नहीं पेट्रोल भी होगा कि नहीं होगा, बहरहाल चलें चेक कर देते हैं। अच्छा ये हो गया दोस्तों, अभी एक मिनट रुक जाएं पीछे हो ज़रा, अभी ये देखें दोस्तों हमने इस तरह लिटाया, अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा रिजर्व में पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हमने रिजर्व पहले आन पे तो आ रहा था, रिजर्व पे हमारा नहीं आ रहा था, अभी आप हालत में अभी हमारा रिजर्व लग गया, रिजर्व में चेक करते हैं हमारा पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें दोस्तों हमारा रिजर्व में पेट्रोल आने लग गया, ठीक है। तो पहले इसका रिजर्व में पेट्रोल नहीं आ रहा था, आपने देखा था, ठीक हो गया। और आन पे भी इसका नहीं आएगा क्योंकि अभी इसमें पहले पाइप नहीं लगा हुआ था आन वाला, तो अभी आन के ऊपर पेट्रोल इसका नहीं आएगा, थोड़ा सा हो सकता है आए, अभी इतना है बिल्कुल, अभी हमारे बाइक में पेट्रोल इतना है कि हमारा आन भी ऑप्शन आन से भी पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा दोनों तरफ पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। हमारा मतलब है कि फिलकाक पुराना वाला ही फिलकाक हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो का मैं यहीं पर अहतम करता हूँ, अगर आपके बाइक में भी फिलकाक वाला अगर मसला होता है, सारे मसाइल मैंने आपको एक वीडियो में कवर कर दिए, बता दिए किस किस तरीके से आपने ठीक कर रहे हैं। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।